आयुष, आर यू श्योर कि ये जेलेसी है? यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तू अपसेट है, इसलिए तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि तेरा गुस्सा हो, जेलेसी ना हो। यार ऋषि भाई, यार मैं बड़ा हो गया हूँ ऋषि भाई, अपनी फीलिंग समझ पाता हूँ मैं। आई नो, कभी कभी तो तू ही मुझे फीलिंग्स को लेकर ज्ञान देता है। एग्जैक्टली, आई नो ये जेलेसी है ऋषि भाई, मुझे डिफरेंस समझ आता है फीलिंग्स में, जेलेसी और एंगर में डिफरेंस समझ आता है। ये पक्की बात, ये जलन ही है, गुस्सा होता ना तो बात कुछ और होती। बट तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है, जो भी तू कर रहा है उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मतलब जेलेसी तब होती है जब रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आगे, जब कोई दोस्त को दोस्त से ज्यादा समझता है। समझ रहा है तू? रब्बा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, किससे कह लो, इसको तो बताना पड़ेगा। ऋषि, आयुष, इन्हें क्या हुआ? अच्छा देखते हैं क्या हुआ। चाची क्या बात है? अच्छा वो तुम लोग मुझे यहाँ पर मिल गए। हाँ पर ठीक है, आप इतने घबराए हुए क्यों? आयुष बहुत बड़ा स्यापा हो गया, वो लक्ष्मी। क्या हुआ लक्ष्मी को? लक्ष्मी की जान खतरे में है। क्या लेकिन वो चाची आप क्या कह रही है, हुआ क्या है बताइए ना। अरे मैं बिल्कुल राइट कह रही हूँ, वो जो पोंगा पंडित है ना, वो पंडित नहीं, मीनिंग पंडित है पर वो अस्थि वाला पंडित नहीं है, वो नकली पंडित है। उसे मुझे रूम के इंटीरियर में लॉकिंग कर दिया था। क्या? कौन? क्या हो रही है? हाँ आयुष मैं राइट कह रही हूँ, मेरा ना दिल टहल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग ना लक्ष्मी को कुछ करने के लिए यहाँ पर कम हुआ है, वो उसको कुछ नुकसान पहुँचाएगा। हाँ ऋषि, वो पंडित मुझे लक्ष्मी के बारे में पूछ रहा था, उसने मुझे लक्ष्मी को बुलाने के लिए भी कहा था। लक्ष्मी, आयुष जल्दी आ। बच्चों, डैड, हमें आपको कुछ बताना है। क्या बात है बच्चों, सब ठीक है ना? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन तुम लोगों को किसने बताया गड़बड़ के बारे में? सबसे पहले हमें तो गड़बड़ पता चली है। लेकिन तुम दोनों तो मेरे साथ चोर पुलिस खेल रहे थे ना? हाँ वही तो, हम आपको ढूंढ रहे थे। हाँ तब एक रूम में पहुँचे, वहाँ पर पंडित जी, पुलिस अंकल और मुकेश भैया सो रहे थे। सो रहे थे? हाँ। ये हमारी पुलिस, यहाँ पर इतना बड़ा स्यापा हो गया और पुलिस स्लिपिंग ही कर रही है, कैसी पुलिस है ये? पुलिस सोती नहीं है मैडम, और ना ही मैं सो रहा था। हाँ चाची नानी, ये लोग सो नहीं रहे थे, ये लोग बेहोश हो गए थे। बेहोश कैसे हो गए? वो मुझे एक बूढ़े आदमी ने बेहोश कर दिया था। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था और मैंने उससे पूछा, वो खुद को केटरिंग का हेड बता रहा था। एक रूम में लेके गया, वहाँ जहाँ मैंने देखा कि ये दोनों ही बेहोश पड़े थे। जब तक मैं कुछ करता उसके पहले ही उसने मुझे बेहोश कर दिया। मुकेश तुझे भी उसने बेहोश किया क्या? नहीं ऋषि भैया, मुझे ना एक डांसर और बैंड वाले ने बेहोश किया था, उसने कोई ग्रीन और पिंक कलर के कपड़े पहने थे, उसने बेहोश किया था मुझे। वो तो अच्छा हुआ आपके बच्चों का, सही समय पर आकर हम तीनों को होश में ले आए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आया, पंडित जी के कपड़े ही गए, किसी और के क्यों नहीं? मैं ये सोच रहा है कि हमारे कपड़े क्यों लेकर चले? अरे क्योंकि उसे आपकी तरह बनना था, शेम टू शेम। नकली पंडित, लेकिन असली पंडित हम हैं। हाँ, अरे पंडित जी मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, जो वो कपड़े आपके लेके गया उसको नकली पंडित बनना था, आप ठीक हो? हाँ, वो नकली पोंगा पंडित, उसको तो मैंने अच्छे से लुकिंग किया, उसने तो मुझे इंटीरियर में लॉकिंग किया था। चाची नानी, आप भी चोर पुलिस खेल रहे थे और आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ बेटा, मैं खेल नहीं रही थी, वो तो उस पोंगा पंडित को बचाने के राउंड में मैं खुद ही फंस गई अंदर। बचाने गई थी मतलब? हुआ यूं कि वो नमूना पंडित वो एक कमरे के इंटीरियर में क्लोज था, जैसे ही वहां पर गई तो मुझे अंदर से कुछ आवाज आई, मुझे लगा किसी बच्चे ने ये शरारत डू की होगी, तो मैंने दरवाजा ओपनिंग कर दिया। जैसे ही ओपनिंग किया तो पंडित के साथ एक और आदमी था, उन दोनों नमूनों ने मेरा फोन लिया और मुझे इंटीरियर में क्लोज कर दिया। वहीं से वो दो नमूने अगर मुझे मिल जाए ना तो उन दोनों को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी। हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो रहा है ऋषि, वो राइट नहीं हो रहा है, मैं टेल यू ना, बहुत लाज वाली गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। चलो चलते हैं।